भोपाल एसएसपी अमित सिंह शनिवार को खरगोन शहर पहुंचे। उन्होंने कोतवाली स्थित कंट्रोल रूम में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की गतिविधियों की जानकारी लेने के साथ ही पीआरसी सिस्टम देखा। अमित सिंह अपने अलग ही अंदाज में नजर आए। वहीं सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल रूम देखने के साथ ही कुछ स्थानों पर कैमरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि अपराधों में थाना पुलिस टीम को सहयोग मिल सके। उन्होंने इस दौरान 100 डायल का रिस्पांस जानने के लिए कोतवाली कॉलोनी में साफ होने की सूचना दी। तय समय पर 100 डायल कोतवाली परिसर तो पहुंची, लेकिन सांप पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वाहन पर तैनात प्रधान आरक्षक और पायलट की कार्यशैली पर नाराजगी भी जताई। दोनों स्टाफ वाहन पर आने वाले मैसेज उनके रखरखाव की जानकारी नहीं दे सके। वाहन में अग्निशमन यंत्र भी एक्सपायर मिला, फर्स्ट एड किट भी नजारत थी। एसएसपी सिंह ने बताया, पुलिस में एडवांस तकनीकी बढ़ने से अपराधों के अनुसंधान में बेहद सुविधा मिल रही है। इसके रखरखाव एवं सदुपयोग के लिए निरीक्षण किया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। गड्ढा उड्ढा कर लिया कि बस ऐसे ही अभी लगाया नहीं, मेरे को पुराना वाला चले गया था। नहीं ये आए सर, अभी ये कल से काम कर रहा था। क्यों भाग गया? खंडवा वाला भी भाग गया। बैठा क्या है, किसी ने भी ठीक से नहीं काम किया। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। संजय दीक्षित आए थे अभी 8 तारीख को सर, तो फिर बहुत ही सेंसिटिव जिला है और यहाँ पे इस महीने के लास्ट तक आप लगा दीजिए। खंडवा किसके पास काम है? खंडवा का बुरहानपुर वाले, बुरहानपुर में लग गया क्या? राजौरे बुरहानपुर में कैमरे लग गए क्या? तुमने बात करवा दी इनकी क्या? सर अमित ने अभी इसके यहाँ बड़ा बड़ा सांप निकला है। बुला रहे काट उठेगा किसी को, चिल्ला रहा है वहाँ पे। पकड़ने वाले का नाम है, कुछ फोन नंबर है, कौन पकड़ता है यहाँ पे? तो कैसे किसको फोन करो बता, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। सुमित बेचारे काट लेगा तो मर जाएगा तो ये देख रहे हो राजौरे, ये किसी का भी इन्होंने रिफिल नहीं किया है। ये स्थिति गलत है ना, इसका पैसा ले रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। चैरिटी करने यहाँ पे आए हुए हैं, ये स्थिति है। इसमें आग लग जाएगी, वैसे भी स्थिति बहुत खराब है गाड़ी की, आग लग जाएगी तो इसको खोले चलाएंगे कैसे, और वो भी एक्सपायरी। ये देखिए आपका सारा सामान जो है, ये देखिए सब में वो लग गया मूर्छा। ये देखो ये कटेगा, ये खत्म हो गया, इसमें धार तो लगवा लेते, ये काटेगा कुछ किसी को? तुम क्या सुपरवाइजर हो? तो ये भी सही कर सकते हो यार, कितना पैसा नहीं इसका सर। इसका भी ये भी कौन सा बहुत सही है ना, इसपे भी तो आप देखो जंग लगा हुआ। भाई साहब काट के दिखाओ मुझे, कोई चीज लाओ काट के दिखाओ। नहीं होगा तो क्या कोई काम काट के दिखाओ ना मुझे। ये देखो तुम्हारा ये स्थिति, बताओ इसकी क्या, इसका क्या जवाब दोगे तुम बताओ भाई? ये चीजें आप ले जाके धार लगाने वाले लोग होते हैं, इसका एक पेपर आता रेगमाल उसे घिस दीजिए, हो जाएगा। विश्वकर्मा पूजा आई होगी ना, उसी में कर ली होते पूजा, कर ली होते सुप्रण का। खराब है ना, इसमें मिट्टी लगी है, मान लीजिए 365 दिन में एक ही दिन की जरूरत होती है, तो आपका सब तो काम ही नहीं करेगा। तो
सब उसे ही कराएंगे। ये भी देखिए इसकी भी बहुत ही खराब स्थिति है आपके सामान के ऊपर। फर्स्ट एड बॉक्स में एक्सपायर क्यों नहीं आपने वो किया मंगवाया? किसी को आपको भी जरूरत हो सकती है ना, आपका जो ड्राइवर है हमारा जो पुलिस का है उसका भी तो एक्सीडेंट हो सकता है। अभी हुआ ना सर, परसों हुआ है, जगह हुआ है, पूरी गाड़ी नीचे ये सुख हुई है जरा। वो तो भगवान की दया से किसी को चोट नहीं लगी। ऐसा क्यों करते हैं? सैलरी मिल रही तुम्हें? दो दो तीन तीन महीने तक नहीं मिल पाती सर। अभी क्या स्थिति सर? सर अक्टूबर की बस तुमसे तो पूछा नहीं यार। एक महीने की सैलरी कितनी सैलरी मिल रही है सर? 7,000 रहती, कभी 8,000 सैलरी तो 10,000 रुपये है, तो 7-8,000 रुपये दे रहे हैं। सर 95 दे लेते, 95 सौ दे लेते हैं। उसके बाद तो यही चल रही है, 7,500 रुपये मिल रहा है। इस गाड़ी में कितने लोग रहते हैं? 3 ड्राइवर है सर। पक्का? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। 100% पक्का? हाँ सर। बता रहे हैं, चेक कर लेंगे किसी और में। तीन कौन कौन है? हरी प्रसाद आटिया और सूरज कुमार है। करो MDT दिखाओ गाड़ी की। MDT और वो ड्राइवर डायरी बताना, तीनों ड्राइवर की साइन करते हैं। आगे रहने वाले मिताबर पहुँचे सजाने के लिए रखे हैं। हेलो सूरज भाई, साहब से बात कर। सुरेश? सूरज। सूरज मैं अमित सिंह बोल रहा हूँ, SSP देखियो। मैं गाड़ी चेक करने आया हूँ। आपके कितने ड्राइवर हैं? हाँ, कितने कितने घंटे ड्यूटी करते हो? तो 12 घंटे में 3 लोग कैसे हो गए? वो तो हो गया एक 36 घंटे तो होते नहीं है, घंटे तो 24 होते हैं, तो 12 घंटे ड्यूटी कैसे कर रहा है? 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, 8 घंटे कर रहे हो, अभी तुम तो 12 घंटे बताए, तो 24 दिन में तो 24 दो ही हुआ। नाइट करके आया और एक दिन की छुट्टी ले लिया, 12 घंटे ड्यूटी कर रहा हो, यही मैं जानना चाह रहा था, जो जान लिया। धन्यवाद। पुलिस वाले दिखाओ। सर चलते सब तो भी नहीं चलते। चलाओ ना भैया, तुमको चलाना ना, तुम चलाओ, बताओ। हाँ मैं पकड़ लेता हूँ, चलाओ। हाँ लगा लो ना, क्या डर रहा है? जी जी सर, चलाओ। मेरा नंबर बताओ, किसने कॉल किया था? ये सर ये नीचे की पट्टी काम, तीनों ने काम करते सर बस में। शराब पी के ड्यूटी पे मत आया करो। नहीं पीते सर। देखिए मैं शुक्ला साहब, आप देख लो, आ करो तो घर से मत आया करो, घर में ही रहा करो, गाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं है। इनको ट्रेनिंग दिलाइए रंगारी साहब, जितने लोग हैं लिस्ट ले लीजिए कि उनकी इनकी ड्यूटी लगती है, सबको MDD कैसे चलाना, ड्यूटी लगाइए। देखिए कितनी खराब है, इसको तो पूरी डस्टिंग करा दीजिए, ये सरकारी संपत्ति है। अपना मोबाइल कैसे रखे हो तुम? मोबाइल दिखाओ। मोबाइल में तो धूल नहीं है, इसमें तो धूल है, सरकार की चीज़ है तो इसकी रद्द टूट जाएगी। ऐसा क्यों करते हो भाई? ये तुम्हारी रोजी रोटी है, ये सरकार की संपत्ति है। अपना मोबाइल तो बहुत बढ़िया से रखे हो, इसमें तो पहुँच भी नहीं सकते तुम। तुम्हारी रोज तुम्हारी ड्यूटी रहती है? नहीं सर, चेंज हो जाती है। कितने दिन में? 2 लोग हैं सर। तो भी मतलब हो तो तुम परमानेंट, तो भाई साफ सर अगली बार नहीं होगा सर। अगली बार हम पता नहीं कब आएंगे, 2 महीने बाद DIG बन जाएंगे। अब हम लोग करेंगे सर।
हमारे भी थोड़ा सा देखने में। लेकिन बहुत ही आपत्तिजनक चीज है ये, आपको पता ही नहीं कि इसकी फंक्शनिंग कैसे करनी है। जो इंस्पेक्शन था वो ड्यू था, व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाया था। खरगोन हमारा एक रेंज है जिसमें सीसीटीवी डायल 100 थानों में जो सीसीटीवी लग रहे हैं, कम्युनिकेशन, ये सारे काम रेडियो स्टाफ के द्वारा संचालित होते हैं। एफआरवी में हम फेज टू की ओर बढ़ रहे हैं, थानों में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और जो सिटी सर्विलांस के नाम पर हमने कैमरे लगा रखे हैं उनको भी इस इंस्पेक्शन में मैं चेक करूंगा, क्योंकि तो खरगोन एक सेंसिटिव प्लेस है, कम्युनली बहुत ही सेंसिटिव है। कैमरे ठीक से काम करें ये हमारे विभाग की प्राथमिकता है, क्योंकि मॉडर्न डेज पुलिसिंग में जो सीसीटीवी फुटेज है उनका महत्व तो बढ़ा है। ये कोई अनियमितता नहीं है, कमी है। स्टाफ हर तरीके का होता है और अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, मीडियोकर भी होते हैं, तो अनियमितता तो मैं इसे नहीं कहूँगा, कमी करूँगा, लापरवाही कहूँगा कि जो गाड़ी है उसमें साफ सफाई ठीक से नहीं थी, एफआरबी में जो किट था वो ठीक से नहीं था, जंग लगा हुआ किट था और जो फायर एक्सटिंग्विशर था वो एक्सपायरी हो गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो हमारा सिस्टम इंडिकेटर है BVG इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी मैं परसों वापस लौटूंगा भोपाल, तो इन सारी चीज़ों को मैं नए सिरे से अपनी सारी गाड़ियों में जो FRV हैं उनमें रख पाऊंगा। देखिए हमारा फोकस ये है कि हम अभी CCTV देख रहे हैं, हम अब एनालिसिस के फेज में जाएंगे। हमारे सारे जो CCTV कैमरे हैं उनमें एनालिटिकल टूल लगा रहता है, जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर हम बढ़ रहे हैं कि हम उसकी एनालिसिस करेंगे कि कौन से लोग हैं जो बार बार मूवमेंट वहां कर रहे हैं, कम्युनल सेंसिटिव इलाके में घूम रहे हैं या चोरी वाले स्पॉट पे घूम रहे हैं या एक्सीडेंटल स्पॉट पे घूम रहे हैं, तो हमारा फोकस एनालिसिस पे है। हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा है जो पिछले 7 साल से हमारे पास है, लेकिन एनालिसिस जो होनी चाहिए उस लेवल की नहीं हो पाई है। तो हमारा फोकस, डिपार्टमेंट का फोकस ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ें। देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का भी फोकस इसी पे है कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और ज्यादा से ज्यादा उस टेक्नोलॉजी को हम रोजमर्रा की पुलिसिंग में उतारें, उसका सहयोग लें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।